सबसे पहले ये वीडियो देखिए। मैं असल इस वक्त बिनते फातिमा ओल्ड होम में मौजूद हूँ। बिनते फातिमा ओल्ड होम में एक वीडियो जो कि 2023 में उम्रे की बनी थी और मदीने से वापसी की तड़प क्या होती है वो मैंने लोगों से शेयर की और वो मिलियन में जाके जो है वायरल हुई। और उसके बाद लोगों ने उस मोहब्बत को देखा कि किस तरह मदीने से वापसी पर जो एक दुख होता है वो किस तरह से हमारी बहन की आंखों में था। मैं आज आप उन बहन से भी मिलवाऊंगा जो कि वो क्या तड़प होती जब वो वापस आते हैं मदीना से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं बहन आप? ठीक हैं? मुझे बताइएगा, एक तो ये कब की वीडियो थी और ये क्या क्या उस वक्त सिलसिला था, बताइएगा जरा। ये 2023 के उम्रे की रवानगी से जब मदीने से हम वापस मक्का जा रहे थे, ये तब की वीडियो है। उस वक्त जब जन्नत मक्की के रोड से ये रोड गुजर रहा था तो मेरी एक ही फीलिंग थी कि उस वक्त शायद कोई मुझे कहीं से आकर रोके और ये बोले कि मैं यहीं रह जाऊँ, मुझे दोबारा नहीं जाना। मेरी अपनी भी यही ख्वाहिश थी कि जब मैं जा रही थी कि मैं वापस ना आऊँ। बस वो अफराज, वो फीलिंग नहीं है कि फिर बयान कर सकूँ कि मैं वहाँ से वापस क्यों आ गई। बस अल्लाह मेरा दोबारा बुलावा भेजे कि मैं फिर उस सरजमीन पर पे जाऊँ और फिर दुरूद सलाम इसी तरह पेश करूँ। मदीना छोड़ते हुए किस तरह से जो है दिल को वो हो रहा होता है और वो मिलियन तक लोगों ने उस चीज़ को, उस अकीदत को सराहा, क्या कहेंगे इन बहन के लिए? इसकी फौजिया की तो बात ही अलग है, बाकी सबका भी यही हाल है। हाँ माशाल्लाह, बाकी भी जो 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 करके आ गए हुए हैं ना, उनका भी यही हाल है और उनकी यही कोशिश है, बार बार यही कहते हैं कि एक दफ़ा फिर ले जाना। हाँ। बहुत चीज़ें छोड़ा है हम लोग, बहुत ज्यादा कमियां रह गई हैं जो कि हम हाँ। लोगों ने दोबारा जाके वो पूरी कर दी हैं। और जो जा रहे हैं उनकी तड़प कैसी है? उनकी तड़प हो, उनकी तड़प रहे फिर तरसेंगे। आए हाय 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 माशाल्लाह। आपको है मदीने जाऊं और जाकर वापस ना आऊं, वहीं रह जाऊं। हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जितनी भी माएं हैं सबको पता है कि किस तरह कितनी परेशान है, ये जो भी मामला है मैं वो खुलेआम बताना नहीं चाहती जी, सही बात है। लेकिन अल्लाह अल्लाह राजी करता है, अल्लाह खुशियां देता है, बेशक अल्लाह खुशियां देता है। अल्लाह पाक ने इनको खुशियां दी है। देखो मैं हूँ ना और मैं जो करता हूँ वो कोई नहीं कर सकता। अल्लाह ने करके दिखाया है। सबसे पहले तो बिनते फातिमा अल्लाह ने बनाया, इनको इज्जत वाली छत दी, इनको प्रोटोकॉल दिया, फिर इनके साथ अल्लाह पाक ने अपने नेक बंदे जोड़े जो कि इनकी सरपरस्ती करते हैं। अल्लाह को वो कितने पसंद हो गए जो इनकी कफालत कर रहे हैं, बेशक उम्रा पे जाने की, बेशक उम्रा के अलावा भी पूरा साल जो इनको देखते हैं, इनकी फिक्र करते हैं। उम्रा तो बहुत ही बहुत बड़ी बात है उम्रा पे भेजना, लेकिन जो पूरा साल इनकी कफालत करते हैं, इनकी छत, उनको भी अजर जाएगा इसका। अल्लाह पाक उनको कितना पसंद करते हैं, किसी को नहीं पता। तो इसके साथ जो है एक और कलाम जो है बहन, वो आपका बहुत ज्यादा, वो एक और जो आप शायद बस में गालबन जो है कहीं से हम वापस आ रहे थे जनवरी 2023 में वाले उम्रे वाले काफले में, और माशाल्लाह आप भी थे उसके अंदर माशाल्लाह। एक और कलाम आपका जो है वो अगर आप सुनाएं तो यकीन करें शायद वो दोबारा वो ताज़ा हो जाए, है ना, जब आप गए थे, थोड़ा सा सुनाइएगा। अगर के लिए मैं इन सब के लिए जो ही जा रही है, मेरा वहाँ पैगाम लेके जाएंगी माशाल्लाह जी। ये कलाम था जो कि बहुत ज्यादा जो है उस बस में जो है पढ़ा बहन ने, और सुभान अल्लाह माशाल्लाह सब साथ पढ़ रहे हैं, सुभान अल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जी यहाँ पर जो है पुकार लूं
सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। बिनते फातिमा ओल्ड होम की माए, ना ही फाइनेंशियली ना ही फिजिकली, लेकिन किस तरह अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के जरिए इन माओं के वहां पहुंचने से लेकर वापसी तक के जो मामला है अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के हाथ सौंप देता है और वो जुड़ जाते हैं इस काफिले को मुकम्मल करने में। 5 सालों से ये माशाल्लाह मुसलसल चलने वाला बिनते फातिमा ओल्ड होम कराची लाहौर इस्लामाबाद से काफिला इंशाल्लाह 8 जनवरी 2024 को छठा काफिला बनकर इंशाल्लाह इन माओं को रोज़े रसूल और अल्लाह के घर का दीदार नसीब होगा। ये मेरा ख्याल है इन माओं का अल्लाह से क्या कनेक्शन है दुआओं का कि जिसमें दुनिया क्या सब कुदरत जुड़ जाती है। और उसी में से एक चीज़ आपने देखी जो कि हमारी उस बहन का उस मदीने से वापस आने से क्या एक एक, एक कैफियत थी जिसको दुनिया में इतना सराहा गया, जो मैंने वीडियो आपसे शेयर की। अल्लाह करे ये कैफियत हमें भी मिले कि जब हम भी मदीने से जब वापस आएं तो हमारा भी वापसी पे यही हो कि या अल्लाह कोई हमें आवाज़ दे दे, कोई हमें रोक ले कि तुम यहाँ रह जाओ मदीने में। अल्लाह करे हमें भी ऐसा दिन नसीब हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बिनते फातिमा ओल्ड होम की माओ के लिए दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला इनको खैरो आफियत से लेके जाए, खैरो आफियत से वापस आए। इंशाल्लाह 8 जनवरी से छठा काफिला जो है वो उसकी डेली अपडेट्स भी आपको मिलेंगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।